हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल का रिव्यू। सो फाइनली विक्की कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली से ऊपर उठकर मैंने एक नए सिनेमा का एक्सपीरियंस किया है, उसका नाम है सैम बहादुर का टीज़र। तो इस 1 मिनट और 26 सेकंड के टीज़र में विक्की कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी से ज़्यादा पोटेंशियल है, आई एम श्योर। तो चलिए जानते हैं इस टीज़र में क्या कुछ खास है। लेकिन टीज़र के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि ये फिल्म एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी होने वाली है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सैम मानेकशॉ, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ थे 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान। और उसी के साथ में वो पहले ऐसे इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनको फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। और अब तक इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हुए हैं जिनको ये फील्ड मार्शल वाली रैंक दी गई थी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सैम मानेकशॉ का और दूसरा आता है कोडेंडेरा एम कैरियप्पा का। सैम मानेकशॉ को 1973 में ये रैंक दी गई थी और कोडेंडेरा एम कैरियप्पा को 1986 में ये रैंक दी गई थी। हालांकि ये रैंक अभी इंडियन आर्मी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उस टाइम पे ये रैंक काफ़ी टॉप लेवल पे आया करती थी। फिर मैंने ये रिसर्च करी कि ये रैंक इंडियन आर्मी में कहाँ फॉल करती है, तो मुझे कुछ ये जानने को मिला। इंडियन आर्मी की रैंकिंग कुछ इस तरह से होती है, सबसे लास्ट में 10वें नंबर पर लेफ्टिनेंट, फिर 9वें नंबर पर कैप्टन, फिर 8वें नंबर पर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फिर फर्स्ट में 1 नंबर पर फील्ड मार्शल की रैंक आती है। देखो ये तो हो गया है टीजर का ओवरव्यू, तो फाइनली अब टीजर पर आ जाते हैं। सो टीजर काफ़ी बढ़िया है, मैं कहूँगा बढ़िया से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टीजर रियल और रॉ वाला फील दे रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, डायलॉग सुन के गूज़बम्स फील हो रहे थे, सच्ची बता रहा हूँ। सो टीजर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग है एंड आई एम श्योर फिल्म में हमें एक्सेसिव लेवल के गूज़बम्स फील करने का मौका मिलेगा। और मुझे विक्की कौशल इस कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फिट बैठते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फिल्म में उनका वो बोलना, उनकी वो चाल, उनका वो डायलॉग देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स, सैम इज हियर, टोटल गूज़बम्स वाली फीलिंग। बाकी देखो फिल्म लिखी और डायरेक्ट करी है मेघना गुलजार ने, जिन्होंने तलवार, राजी, छपाक जैसी फिल्में बनाई हैं। सो इनके पास ऐसी फिल्में लिखने और बनाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाकी देखो मेघना गुलजार जी गुलजार साहब की बेटी है, तो राइटिंग में तो इनका कोई जवाब है नहीं। और फिल्म में हमें विके के साथ ही गीता एंड बबीता भी नजर आएंगी, यानी फातिमा सना शेख एंड सानिया मल्होत्रा भी फिल्म में हमें देखने को मिलेगी। फातिमा सना शेख प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएगी, क्योंकि 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। और सानिया मल्होत्रा सैम मानेकशॉ के वाइफ का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, और उन्हीं के साथ में नीरज काबी एंड मोहम्मद जीशान अयूब भी देखने को मिलेंगे। बाकी देखो टीज़र काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फिल्म 1 दिसंबर को आने वाली है, यानी ये फिल्म रणबीर कपूर के एनिमल फिल्म के साथ क्लैश होने वाला है इस फिल्म का, और दिसंबर तो फुल ऑफ क्लैशेस से भरा हुआ है। बाकी आपको टीज़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही फिल्मी अपडेट्स जानने के लिए राहुल का रिव्यू को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।